हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डेली ब्लॉग। बहुत दिन से सोचे कि कुछ ब्लॉग नहीं दे रहे, तो आज सोचे ब्लॉग बनाया जाए। तो आज हम बनाने जा रहे घी, जो पहले भी हम घर पे बना चुके हैं। आज भी थोड़ा सा दूध का छाली जमा था, तो सोचा आज भी बनाते हैं और उसका ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर करते हैं। जो हम पहले बनाए थे वो हम दिखाते हैं आप लोग को। देखो ये वाला डब्बा में जो भरा हुआ है, ये भी मेरा ही पूरा बनाया हुआ था, क्योंकि हम छाली को ऐसे ही फ्रीज़र में जमाते हैं, फ्रीज में नहीं जमाते हैं, क्योंकि फ्रीज में जमाने से हो सके कभी ख़राब हो जाए। तो हम फ्रीज़र में इसको जमाते हैं और जमते जमते देखो, उससे पहले मेरा और हुआ था बड़ा वाला, एक कटोरी में वो भर के हुआ था, तो इस बार मेरा कम ही हुआ है। तो हम सोचे चलो वही बनाते हैं, तो आप लोग के साथ शेयर करते हैं। और उसके लिए हम एक ऐसा ही एक फ्राई पैन टाइप का भी बोल सकते हो, तो ये पहले मेरा ये नॉन स्टिक का था और इसको हम घिसते घिसते इसको हम स्टील का बना दिए। और इसी में हम बनाने जा रहे हैं, क्योंकि और बड़ा सा कुछ भी बनाएंगे तो वो थोड़ा सा हमको लगता है वेस्ट हो जाता है, क्योंकि फिर चारों तरफ घी बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो इसलिए इसी में बनाएंगे, फिर कर लेंगे। तो ऐसे हम इसको कुछ करना है नहीं, इसको हम निकाले हुए करीब 10 से 15 मिनट हो चुका है, तो आप लोग भी 10 मिनट या आधा घंटा पहले भी इसको निकाल के रख सकते हैं, क्योंकि जब फ्रीज़र में रहते हैं तो ये बहुत ज़्यादा टाइट रहता है इसीलिए। और इसी से जो है मक्खन जो होता है वो बटर सब इसी से बनता है। इसी को पानी में भी डाल के आप, मतलब इसको घी बनाने का भी बहुत तरीका है, बटर भी बनता है और बहुत सारा चीज़ इसे बनता है। तो हम तो फिलहाल घी बनाने जा रहे हैं, बहुत कोई बहुत तरीके से बनाते हैं, जैसे इसको ठंडा फ्रिज का पानी में डाल के फिर इसको मतलब पूरा धो धो के जो है वो मतलब उसके बाद इसका जो मतलब जो घी बनने लायक रहता है वो निकल जाता है, बाद बाकी जो एक्स्ट्रा दूध रहता है वो निकल के फेंक भी सकते हैं उससे भी कुछ। तो हम उतना कष्ट नहीं करते हैं, हम बहुत जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश करते हैं। तो हम इसको अभी ऐसे ही कढ़ाई में डाल देंगे और इसको ऐसे ही हम पकने देते हैं, 2 मिनट में चलाते हैं, 3 मिनट पे वो अपने आप घी बन जाता है। तो चलिए दिखा दी, आप लोग ऐसे ही इसको डाल सकते हो, जिसको मेरा जैसा जल्दी जल्दी बनाना है उसके लिए है। और जिनके घर में मतलब दूसरा तरीके से बनता है, जैसे इसको ठंडा पानी में डाल के फिर इसको छान छान के जो मलाई होता है पूरा वो निकाल के जिसका बनता है वो अलग है, और ये है बहुत जल्दी जल्दी शॉर्टकट में बनने वाला। तो देख सकते हो जब कढ़ाई में दी मतलब पैन में डाले हैं, तभी पैन बहुत गर्म था, तो इसके चलते अभी से इसका जो येलो येलो है देखो घी जो है वो निकलना स्टार्ट हो गया। लेकिन ऐसे नहीं होगा, ये जब तक जल नहीं जाता है पूरा पूरी तब नहीं। और हम जितना जमाए थे दूध का मलाई उससे अब बहुत निकलेगा, और उसके पहले हम और ज़्यादा जमाए थे। इस बार हम सोचे नहीं आप लोगों को दिखाने के लिए, थोड़ा सा ही जितना जमाए उसे में बना देते। तो ऐसे ही हम थोड़ा सा फ्लेम जो है ना इसको थोड़ा सा हाई कर देंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा करिएगा तो वो जल्दी जल जाएगा और निकलेगा नहीं। तो इसलिए मीडियम पे ही रख के आप लोग को बनाना है। और ऐसे सबको अलग अलग तरीका से बनाना आता है, हमको भी नहीं पहले आता था, हम भी यूट्यूब देख देख के ही सीखे हैं। तो यूट्यूब पे बहुत सारा देखे थे, जो ज़्यादा आसान वाला था वही हम सीखे। और ऐसे हम बनते हैं, ऐसे भी जैसे मेहनत करके बनाइएगा उसमें भी सेम बनता है, इसमें भी सेम बनता है, उसका कलर भी सेम होता है, उसका खुशबू जो है वो भी सेम रहता है। तो हमको यही अच्छा लगा, तो ऐसे ही बनाते हैं। और घी इतना महंगा है, उससे अच्छा तो दूध मतलब आप लोग रोज लेते ही होंगे, जिसका घर में बच्चा है तो बच्चा छाली नहीं मतलब जो सर होता है ना वो नहीं पसंद करता है, तो बिहार में इसको छाली बोलता है, दूध का छाली जो जमता है, तो वो जमते जमते घी बन जाता है। तो ऐसे ही हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। अब आप लोगों को दिखाने के लिए हम चला भी रहे हैं, ऐसे तो हम चलाते नहीं हैं, डायरेक्ट इसको ऐसे ही करके चले जाते हैं और ये अपने आप बन के मेरा तैयार हो जाता है। तो चलिए फिर एक बार में दिखाते हैं,
क्योंकि ऐसे ही होने लगेगा, इसमें कोई आपको मेहनत है नहीं, ऐसे ही ऐसे मतलब थोड़ा धीमी धीमी आँच पे वो अपने होते रहता है, उसमें कोई मेहनत नहीं है। तो और खुशबू जो निकल रहा है वो हमको बस आ रहा है, आप लोग को तो नहीं आएगा, तो आप लोग देख के ही मजा लो। तो चलिए फिर दिखाते हैं आप लोग। ये 2 से 3 मिनट बाद है ये ऐसे होने लगा है, देखो। तो ऐसे ही धीरे 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 ये जलेगा, अभी तो ये जलेगा मतलब अभी टाइम लगेगा क्योंकि हम कम में उसको दिए हुए हैं। देखो ऐसे ही इसको थोड़ा देर करेंगे। आप लोग कोई बर्तन से इसको ढक भी सकते हैं, वो जो छिटका है वो बाहर नहीं गिरेगा। तो हमको ऐसे भी अब किचन क्लीन करना है, तो हल्का सा गिरे तो कोई दिक्कत नहीं है मेरा, क्योंकि उससे ज़्यादा नहीं गिरता है, देखो इतना ही गिरता है, उससे ज़्यादा नहीं। हम 20 मिनट बाद आए, 20 मिनट नहीं 15 मिनट हुआ, तब तक देखो मेरा हो गया। हम ऐसे इसको हमेशा बनाते हैं, ऐसे करके इसको निकाल देंगे तो मेरे लिए और आसान हो जाता है। तो हम और थोड़ा देर के लिए रखेंगे, क्योंकि देख लो इस साइड में थोड़ा सा है, तो इसमें से और हो सके और थोड़ा सा निकलेगा, तो इस साइड को भी हम इसी तरह बना लेंगे। तो और आप लोगों को दिखा देते हैं, आप लोगों को लगा कि हाँ घी जल जाता है, ऐसा कुछ नहीं। देखो घी का जो कलर है वही रहेगा आपका, जो उसका सेंट है, जो स्मेल है वो भी सेम ही रहता है, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब वो बस ब्लैक होता है। ऐसे भी आपको ये जैसे मेरा ऐसा इस टाइप से हो गया, तो आप लोग को ऐसे भी इसको जला के ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब पूरा जलेगा तभी आपका पूरा घी निकलता है। तो अब मेरा हो गया, तो हम इसको अब बंद कर देंगे और इसको निकाल के थोड़ा सा इसको निकाल देंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, फिर हम इसको कटोरी में डाल के तब आप लोग को दिखाते हैं कैसा बना है मेरा घी। तो देखो इसी से हम उसको कर लिए, और वो जो था उसको तो हम डस्टबिन में फेंक दिया। अब देखो कलर, घी हमेशा ऐसा ही बनता है, और जब ये ठंडा हो जाता है, जैसे अभी वो गर्म है तो इस टाइप का है, और जब वो ठंडा हो जाएगा तो हम दिखाते हैं आप लोग को। एक सेकेंड रुक जाइए, तब इस टाइप का बन जाता है। देखो ये भी मेरा ही बनाया हुआ है, देख लो इस टाइप का है। तो ये फिर ऐसा थोड़ा सा इसमें दाना दाना बना जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा गर्म है, इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, फिर हम उसी में इसको डाल देंगे, क्योंकि और एक डब्बा में मेरा घी ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो इसी टाइप का मेरा घी बनता है। तो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।